हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी इवनिंग ऑफलाइन वाले के लिए और ऑनलाइन वाले के लिए गुड मॉर्निंग। तो पहली मुलाकात हो रही है आप लोग से, तो पहली मुलाकात में शायद देखवा हमारा अंग्रेजी, हम लोग बिहारी हैं तो बिहारी में ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बिल्कुल गायब रहता है, कुछ साइनिंग लैंग्वेज सब जरूर आते रहता है, कोई बात नहीं। तो आज बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और एक्साइज दरोगा का पीटी का रिजल्ट भी आ गया। कई लोगों का पीटी का रिजल्ट हुआ है, जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है वो तो मस्ती से तैयारी करेंगे, क्योंकि उसी वही सिलेबस रखा जाएगा, फिर से रिपीट किया जाएगा। इस तरह से बिहार दरोगा में पीटी का एग्जाम होता है और सेम टू सेम सिलेबस को मेन में रख दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा पेपर लिया जाता है हिंदी ऑब्जेक्टिव का, वो कंपलसरी पेपर होता है। तो इस दौरान आप जो तीन भी पढ़े हैं उस पर फोकस करेंगे और करेंट अफेयर्स को फोकस करेंगे। आशा और उम्मीद है यदि आप फिजिकल फिट हैं तो एक्सरसाइज में फाइनल रिजल्ट आपका होगा, और जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं पीटी का, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम पीटी तक ही है। बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम पीटी तक ही है, जो जनरल कंपटीशन के लोग तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव का, उस तरह का एग्जाम बीपीएससी के पीटी तक है। मेन में लेखन शैली है, विश्लेषण शैली है, तथ्यात्मक शैली है। अब मेन में क्या है, तो जितना लेखन का एक्सपीरियंस रहेगा उतना बेनिफिट होगा। यही कारण है कि जो वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो पीटी तो रिजल्ट हो जाता है, लेकिन मेन में उनको कठिनाई होती है। अतः मेरा अपना मानना है कि यदि बीपीएससी की तैयारी करना है तो अभी से, आज नोटिफिकेशन आया, आज से लेखन कला को विकास करने लगे, उसके लिए आप ऑप्शनल पेपर का चुनाव कर ले और डेली उसको लिखने का प्रयास करें। यदि पेपर पढ़ते हैं तो पेपर का संपादकीय का टॉपिक है, उसको समझिए, समझ के अपनी भाषा में लिखिए। पीटी तो आसान है, लेकिन मुख्य परीक्षा पीटी पास करने से आपका तगमा नहीं निकलने वाला है, आपकी तैयारी मुख्य एग्जाम की ओर होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप पीटी में कहीं भी डॉट है, मेन तैयार, बहुत लोगों को मेन तैयार हो जाता है, पीटी डॉटेड हो जाता है, खासकर यह उन लोगों के लिए होता है जो दिल्ली फाउंडेड है, क्योंकि दिल्ली में पीटी पर कम फोकस किया जाता है, दिल्ली में मुख्य परीक्षा पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उन लोगों को पीटी कमजोर हो जाता है। पटना में पीटी का जम के तैयारी होता है, मुख्य परीक्षा का उतना जम के तैयारी नहीं कहीं हो पाता है। अतः खूब मजबूती से मेन के साथ साथ पीटी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, यदि बीपीएससी का कहीं एम है तो, नहीं तो डेली टेस्ट या के तरह ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तरह, वन डे एग्जामिनेशन के तरह, एसएससी है, रेलवे है, बिहार दरोगा है, झारखंड दरोगा है, उस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। बहुत आसान है ये कंपटीशन, कहिएगा जी सर आसान कैसे है, कहां हो रहा है, तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब आपका सही दिशा नहीं निर्देश नहीं मिल रहा था, और यदि सही दिशा निर्देश मिल रहा था तो आप उसके अनुरूप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे थे, दोनों कठिनाई है, या तो सही गाइडलाइन के अभाव है, आपका दिशा निर्देशन देने वाला कोई अच्छा नहीं, या दिशा निर्देशन वाला अच्छा है लेकिन उसको पालन आप नहीं कर पाते हो। आप यदि अभी से जब जागो तभी से बैठे, ढेर सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और इस बार बिहार दरोगा में फिर से पिछले बार की तरह कटिलिया जीएस टीचिंग सेंटर का झंडा बुलंद होने वाला है, झारखंड दरोगा में झंडा बुलंद होने वाला है, क्योंकि यहां जो तैयारी कराया जाएगा, आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है वो कैसा क्वेश्चन है, कुछ अजनबी नहीं दिया जाता है, क्योंकि अजनबी क्वेश्चन 1% 2% रहता है और ये क्वेश्चन सब लगातार रहता है। इस क्वेश्चन में गलत होने का मतलब है आपके ऊपर दुधारू तलवार लटक गया, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थित देते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि मैं अपने हाथ में दुधारू तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरने वाला हूं, इसकी धार अपने भी गर्दन पिया सकती है, मैं आंख से खेलने जा रहा हूं, यह कहकर गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किए थे। अब इस तरह से दुधारू तलवार कब होगा, जब जाना पहचाना क्वेश्चन गलत होगा। अतः
आप यह प्रयास करेंगे, जाना पहचाना क्वेश्चन 100% सही हो। जाना पहचाना क्वेश्चन गलत होने का एक बीमारी क्या है? उतावलापन, एक्साइटमेंट, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ना। जब क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है एक शब्द बीच में उलट फेर कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होना तय है। डायरेक्ट पूछ दिया है, वायुमंडल में पाए जाने वाले सभी अक्रिय गैस में सबसे भारी अक्रिय गैस मार दिए जेनन, तो बेटा सही है, आ कहीं रेडॉन मार दिए बेटा गलत होगा। यह जरूर है कि सभी अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस है रेडॉन, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है वायुमंडल में पाए जाने वाला, रेडॉन हमारे वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है, इसका मतलब है उत्तर क्या निकलेगा? जेनॉन निकल जाएगा, डायरेक्ट आएगा। सबसे हल्की, अब हल्की देखते हाइड्रोजन पर नजर चल जाता है। रे भाई क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो ना। सबसे हल्की अक्रिय गैस पूछ दिया, आप पहला ऑप्शन दे दिया हाइड्रोजन, तो हमने हल्की देखा बैठ वही ओबे करेगा, गडर कैसे पड़ेगा क्वेश्चन में बचाओ। हल्की, सबसे हल्की हाइड्रोजन मारे, अरे पगला उसमें दे लिया है सबसे हल्की अक्रिय गैस या सबसे हल्की अक्रियाशील गैस हीलियम है। आपका क्वेश्चन इस तरह से जाना पहचाना क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। अतः आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। कल से सुबह 7 बजे से बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए सबका कंबाइन कर दी है, क्योंकि इस बार जो पीटी का तैयारी करवाया जाएगा, चाहे बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो या बीपीएससी हो, वो आज तक के टारगेट बैच से बिल्कुल ही अलग रहेगा। सभी फाउंडेशन बैच के तरह ही इसे मटेरियल दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी को इंक्लूड किया गया है। जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड एनटीपीसी या अन्य टेक्नीशियन वाले रेलवे से ज्यादा होगा। अतः जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, निश्चित रूप से 6 जुलाई से सुबह के 7 बजे से जो बैच आ रही है उसमें आप संपर्क करेंगे। और दूसरी बात, बेनिफिट यह है कि यह वीकली बैच है, सप्ताह में 2 ही दिन है चलेगा, शनिवार और रविवार को। शनिवार और रविवार को जो बैच चलेगा 3 घंटा शनिवार, 3 घंटा रविवार। यदि डेली 1-1 घंटा को पढ़ाते तो 5 घंटा आपको बैच में टाइम देते। ऐसे क्या हो रहा है, 3 घंटा शनिवार, 3 घंटा रविवार, वो भी कंटिन्यू, तो आप एक आने जाने का समय बचेगा, 5 दिन आप घर पे पढ़ना या टेस्ट सीरीज में आना, 2 दिन इस टारगेट बैच को जरूर मजा लेना, बहुत ही फायदा करेगा। आइए आज से फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करें। नहीं, चार्ज तो है, अच्छा जो कटिलिया जीएस के किसी भी फॉर्मेट से जुड़ा हुआ है, डेली टेस्ट हुई, डिस्कशन हो, क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन बैच हो, यदि वो नहीं है, यदि किसी फॉर्मेट से जुड़े हुए नहीं है 2550 रुपये लगेगा, यदि किसी फॉर्मेट से जुड़े हुए 400 रुपये उनको छूट मिलेगा, 2150 रुपये लगेगा, जिसमें इंक्लूडिंग ऑल बुक का चार्ज, कोई बुक का चार्ज नहीं लगेगा। हो सकता है 4 बुक दिया जाए इस बार आप लोगों को, हिस्ट्री का अलग दे दिया जाए, पॉलिटी का अलग दे दिया जाए, ज्योग्राफी का अलग दे दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएबल होगा यह बैच। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इस टारगेट बैच से भी अच्छा पोजीशन में आप आ सकते हो। जो फाउंडेशन बैच के होंगे या जो डेली टेस्ट हुई डिस्कशन में आ रहे हैं उनको तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि इसी लैंग्वेज को जो डेली आप प्रदीप कुमार को देख रहे हो, प्रदीप कुमार के लैंग्वेज को सुन रहे हो, बहुत आदमी लैंग्वेज को समझ चुके हैं कि सर इसके बाद क्या बोलने वाले होंगे इस क्वेश्चन के लिए, अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन क्या क्या कर सकते हैं, बहुत लोग का हीमोग्लोबिन बन गया है इस क्वेश्चन में, सर क्या क्या डिस्कशन कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए रामबाण साबित होगा है। जो लोग किसी भी फॉर्मेट से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए पहला क्वेश्चन, उस अंग का नाम क्या है जिसमें इम्ब्रियो का डेवलप होता है, तो 3 क्वेश्चन बनता है, मात्र 3 क्वेश्चन। पहला, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में। दूसरा, निषेचित अंडाणु का विकास कहाँ होता है, यूट्रस में। और तीसरा, माँ के गर्भ में पल रहे वो बच्चे को भोजन कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा या गर्भनाल से। यह 3 क्वेश्चन लगातार पूछता है, अतः कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब, गर्भ में पल रहे बच्चे को भोजन प्लेसेंटा, और बच्चे का विकास यूट्रस या
गर्भाशय में, उत्तर भी शायद निकल गया होगा। उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर, तीनों क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला का उत्तर ए नंबर, स्तनधारियों में मेमेलियन में निषेचन, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब, बी नंबर लिखा हुआ है। फिर अगला पॉइंट, भ्रूण, अंग्रेजी में कहते हैं इम्ब्रायो, का विकास, भ्रूण का विकास यूट्रस या गर्भाशय। तीसरा, गर्भ में पल रहे भ्रूण को पोषक पदार्थ, को पोषक पदार्थ इसके द्वारा, गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा, गर्भनाल या प्लेसेंटा के द्वारा। कभी कभी देगा परख नली शिशु में निषेचन की प्रक्रिया कहां करवाई जाती है, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, परख नली शिशु में निषेचन की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में, किंतु शिशु का विकास कहां, मां के यूट्रस में। एक लाइन और लिख लेंगे, बाय निषेचन सही से बाहर करना, लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर, शरीर से बाहर परख नली में होता है, शरीर से बाहर परख नली में होता है, किंतु उसका विकास, उसका विकास मां के गर्भाशय में, मां के गर्भाशय में होता है। मां के यूट्रस में होता है। दूसरा क्वेश्चन चले, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है, सल्फर का 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या क्या होगी? तो उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर, क्या होता है मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, दिया गया वेट बटे परमाणु द्रव्यमान। दिया हुआ है 16, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 16/32, 1/2 बराबर 0.5 मोल। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो हम लोग को ऑलरेडी पता है
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा गया। अतः ऊर्जा और कार्य दोनों का इकाई सेम टू सेम है, जूल है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा एक समान है। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर, तीन का सी नंबर लिख लेंगे, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक अर्ग, कार्य ऊर्जा एवं बल आघूर्ण, अंग्रेजी में कहते टॉर्क, तीनों का बीमा या आयाम, तीनों का बीमा या आयाम बराबर होता है। जो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता। कैसे हुआ यह जरा से देख लेंगे। कोई एक से निकाले, यदि हम लोग जूल कहते हैं तो जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का तोड़ दिए तो क्या बना, एक किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर, मीटर से मीटर गुना किए तो बन गया क्या चीज, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब तो डायमेंशन आसान हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यदि बल आघूर्ण से चेक करना चाहते हैं तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है बल गुने बल भुजा, फोर्स आर्म मात्रक वही न्यूटन इंटू मीटर। जब ये न्यूटन मीटर आएगा तो यूनिट न्यूटन मीटर, तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू नंबर। उत्तर क्या निकला, तीन का सी नंबर। चौथा क्वेश्चन बी वोल्ट है, ऑप्शन ए नंबर में कर दीजिएगा, चार का ए नंबर में 50 बट्टा 3 ओम, 10 को कर दीजिएगा 50 बट्टा 3 ओम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा 20 ओम के तीन प्रतिरोध को समानांतर जोड़ा गया है। स्क्रीन पर देखेंगे बहुत आदमी को हो भी गया होगा, 20 ओम का तीन प्रतिरोध है जिसको पैरेलल में ले लिए हैं। उसके बाद फिर कह रहा है तीनों जो समायोजित हुआ है उसको उसको फिर से 10 ओम का एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया, तो दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, दोनों के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना। इसके लिए आपको यहां पर 20 ओम है, 20 ओम, 20 ओम, यहां पर 10 ओम। तो पहले इसका निकाले समतुल्य प्रतिरोध, समानांतर है 1 बाय आर बराबर 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 बराबर 3 बट्टा 20, इसलिए आर बराबर 20 बट्टा 3। अब यह हो गया 20 बट्टा 3, यह हो गया कितना 10, दोनों क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करेंगे जोड़ देंगे, पुनः आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा 20 बट्टा 3 प्लस 10 बराबर 20 प्लस 30 बट्टा 3 बराबर 50 बट्टा 3। यही हम लोग का उत्तर निकलेगा। जाहिर सी बात है क्या होगा तब, यहां पर यदि तीन को मेरा पर तीन को स्क्रीन पर देख ले, या तीन तो कंफर्म है, तब तीन को जोड़ा है उसके बाद एक और को समायोजन कर दिया गया। तीन का सर्किट एक समान है समानांतर, इस तीनों के सर्किट को बाद में एक और 10 से जोड़ दिया गया, 10 ओम वाले प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में चल जाएगा। उत्तर क्या निकलेगा 50 बट्टा 3 ओम, क्या निकलेगा। पांच नंबर क्वेश्चन कोई डॉटेड नहीं है,
पानी के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुने 10 के पावर 23 मोल, उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर 6.023 गुने 10 के पावर 23। छठा क्वेश्चन कह रहा है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूपांतरण कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा में, लेकिन क्या इससे काम नहीं चल रहा? गौर से सुनिएगा, पाचन है क्या? पहला क्वेश्चन है पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है हम लोग में? तो पहला पॉइंट कहेंगे पाचन एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। पाचन क्या है? एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नन्हे मुन्ने जो दांत हैं चार प्रकार के, उसके द्वारा पहले भोजन के बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ा जाता है। तो यह हो गया फिजियो रिएक्शन, भौतिक रिएक्शन। और उसके बाद विभिन्न एंजाइम के मदद से उसमें पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ा जाता है। यह क्या हुआ? रासायनिक प्रक्रिया हुआ। इसका मतलब भोजन का पाचक भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया का संमिश्रण। पहला पॉइंट क्वेश्चन आपका कह रहा है अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि कल भी बताए थे भोजन का पूर्ण पाचन या भोजन का डिग्रेशन निम्नीकरण छोटी आंत में होता है। वहां से दो क्वेश्चन और निकाले हमारे पाचन तंत्र, भोजन के पाचन की शुरुआत ओरल कैविटी में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत होती है, दूसरा प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत अमाशय में, लेकिन अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, और भोजन का डिग्रेशन या निम्नीकरण या पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, जहां पर रासायनिक ऊर्जा में निकल पाता है लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय, ऊर्जा का संचय रहता है किस रूप में? तो हमने कहा फिर से तीन फेज में याद रखेंगे तब क्वेश्चन आएगा। जो अवशिष्ट पदार्थ है वो मल के रूप में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तीन चार क्वेश्चन इसमें निकला, आपका उत्तर का रहा छ का क्या होगा? डी नंबर, छ का डी नंबर तब लिखेंगे। ये पाचन एक भौतिक रासायनिक फिजियो केमिकल प्रोसेस प्रक्रिया है जिसमें मुख गुहा में पाए जाने वाले ओरल, मुख गुहा को अंग्रेजी में कहते हैं ओरल कैविटी, मुख गुहा में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दांत के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के दांत के माध्यम से भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, पुनः तोड़ा जाता है। अच्छा पोस्ट में लिखेंगे यह क्या हुआ? भौतिक प्रक्रिया। यह क्या हुआ? भौतिक प्रक्रिया। बड़का को छोटका छोटका तोड़ना क्या हुआ? भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल रिएक्शन। पुनः विभिन्न एंजाइम की मदद से विभिन्न एंजाइम की मदद से उसे सरल यौगिक में बदल दिया जाता है। या क्या हुआ? रासायनिक प्रक्रिया। या क्या हुआ? रासायनिक प्रक्रिया।
पाचन के अंत में क्या होगा, रासायनिक की भौतिक? रासायनिक। आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा, पाचन के अंत में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। देखेंगे पाचन के अंत में, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप या प्राप्त ऊर्जा का रूप, प्राप्त ऊर्जा का रूप रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा होता है। अब तीन क्वेश्चन और लिख लेंगे। एक पाचन की शुरुआत, वस्तु का पॉइंट लिख लेंगे, पाचन की शुरुआत ओरल कैविटी, पाचन की शुरुआत मुख गुहा ओरल कैविटी, जहां किसका, जहां कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाले लार, सिलेवरी ग्रंथि से निकलने वाले सिलेवा में सबसे ज्यादा पानी ही पानी रहता है, लेकिन 1% 99% पानी, 1% में म्यूसिन और टाइलिन इंजाइम कर रहता है, 1% में म्यूसिन और टाइलिन, या म्यूसिन इंजाइम क्या किया, भोजन को चिपचिपा बनाया जिससे निकलने में मदद हुआ, जबकि टाइलिन इंजाइम भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च को सरल कार्बनिक यौगिक माल्टोज में तोड़ देता है। हम लोग कहते हैं चापाती ज्यादा देर तक चबाने से मीठा लगता है, क्योंकि चापाती में जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है वह टूटकर माल्टोज में बदल जाता है। हम लोग कहते हैं आंवला को मुंह में ज्यादा देर तक चबाइएगा और उसके बाद पानी पिएंगे तो मिठास लगता है, क्यों, क्योंकि आंवला में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च था वह लार के द्वारा माल्टोज में टूट चुका है, अतः उसके बाद पानी पीते हैं तो मिठास लगता है। ऐसा नहीं कि आंवला के बाद चीनी फाक के आप पानी पिए, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन माना कि हमारे पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट तो हो गया ओरल कैविटी में, लेकिन प्रोटीन और वसा का पाचन की शुरुआत कहां से, आमाशय से। लिख लेंगे पाचन तंत्र में आमाशय स्टोमेक, आमाशीय स्टोमेक में प्रोटीन एवं वसा के पाचन की शुरुआत होती है। लास्ट पॉइंट, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन या भोजन का निम्नीकरण के साथ साथ अवशोषण भी होता है। अब गौर से सुनिएगा, छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना वाली कोशिका पाई जाती है जिसे मैक्रोविली कोशिका कहा गया। इसी मैक्रोविलाई कोशिका के द्वारा निम्नीकरण में जो बना है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिनरल साल्ट फैट सबको क्या किया, ब्लड में मिला दिया। कहां मिलता है, छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण कहां हुआ, छोटी आंत। क्लियर भी निकल गया होगा, 6 का क्लियर। 7 में कह रहा क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लैपेज वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे आंशिक रूप से पाचन करता है आमाशय से। गैस्ट्रिक लैपेज वसा को तोड़ा, लेकिन लीवर से निकलने वाला बाइल जूस जिसको कहते हैं पित्त रस कहते हैं, पित्त रस में काम क्या है उसका, तो वसा के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इस प्रक्रिया को हिमालसीफिकेशन या
पाइशीकरण कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय नहीं होता, अमाशय में प्रोटीन का पाचन जो पेप्सिन के द्वारा, रेनिन के द्वारा और या इस अग्ना पेंथियाज में ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन और एस्ट्रेप्सिन या तीन इंजाइम पेंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। अमाशय की दीवार से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस में चार प्रकार के रस पाए जाते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, एक रेनिन, एक गैस्ट्रिक लाइपेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है, लेकिन भोजन के साथ जो चला गया है जीवाणु विषाणु उसको फिनिश कर देता है। पेप्सिन क्या किया, या प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। रेनिन क्या किया, या दूध में पाए जाने वाले केसिन को केसिनोजेन में तोड़ दिया। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या किया, या वसा के बड़े टुकड़े को, या वसा के पाचन की शुरुआत किया। पाचन की शुरुआत हुआ अमाशय में, लीवर से जो बाइल निकला, पित्त निकला, वो वसा के टुकड़े को इमल्सिफाइड किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। आगे बढ़े, आगे न्यूक्लियर रिएक्टर है मॉडरेटर, तो बार बार कहते दूगो दूगो दूगो, मॉडरेटर में दो, नियंत्रक में दो, शीतलक में दो। एक नया इसमें आ गया आपका बेरिलियम ऑक्साइड, यह भी मॉडरेटर का काम। मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, स्लो करना। नियंत्रक का काम क्या है, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना। और शीतलक का काम है न्यूट्रॉन को बुझाइए देना, भाई पगला भूतो। तो जब आप कहते हैं ना ठंडा हो भूतक, डिबिया भूत गया, पानी डाल दो, जल कितना जल रहा पानी डाल दो बुझ जाए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को ठंडा करने के लिए सोडियम और पोटासियम का लिक्विड मिक्सर को दिया जाता है, कंट्रोल करने के लिए कैडमियम और बोरॉन के छोर का प्रयोग किया गया, और मंदक मॉडरेटर के लिए ग्रेफाइट का चूर्ण, भारी जल और बेरिलियम ऑक्साइड, तीनों लिख लेंगे उत्तर भी निकल जाएगा। तीनों तो है बी नंबर, यूरेनियम 235 का प्रयोग नहीं किया जाता है, सात का बी नंबर। मॉडरेटर के रूप में कौन सा प्रयोग नहीं होता है, तो यूरेनियम 235 लिख लेंगे। मॉडरेटर मंदक मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का चूर्ण बीटूओ या भारी जल या गुरुत्व जल, और तीसरा जो नयापन बना है बेरिलियम ऑक्साइड, दूसरा बनता नियंत्रक या कंट्रोलर के रूप में कैडमियम एवं बोरॉन का क्षर, तीसरा बनता है शीतलक या कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटासियम का लिक्विड मिक्सर, द्रवित मिश्रण। सोडियम और पोटासियम का द्रवित मिश्रण, हो गया तीनों याद रखिएगा। चल अगला क्वेश्चन बड़ी सुंदर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता। देख भैया, एगो हुआ शिमला सम्मेलन, एगो हुआ शिमला समझौता। शिमला सम्मेलन हुआ 45 में, शिमला समझौता हुआ 72 में। शिमला समझौता हुआ 72 में, बांग्लादेशी के युद्ध, उसे भी भारत पाकिस्तान युद्ध कहा गया। तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच में शिमला में समझौता हुआ, उसे शिमला समझौता कहा गया। उत्तर भी निकल गया होगा, 1972 लिख लेंगे, आठ नंबर का बी नंबर।
एक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच अट्ठाईस जून से 1 जुलाई तक 1 जुलाई 1972 तक कई वार्ता का दौर चला। किंतु किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया गया लास्ट में आया क्या कि रे पगला समझता है अब तरह स्वीकार करना पड़ेगा। अंत में 2 जुलाई 1972 को दोनों प्रधानमंत्री के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया। जिसे ही शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता कहा गया। शिमला एग्रीमेंट या शिमला समझौता दूसरा भी लिख लेंगे, आप क्या बोल लेते बोलिए। ठीक है, अगला लिखेंगे शिमला सम्मेलन। पच्चीस जून 1945 को शिमला में संपन्न हुआ या शिमला में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 22 भारतीय प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। जिसमें मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि, मोहम्मद अली जिन्ना, और कांग्रेस का प्रतिनिधि अबुल कलाम आजाद, हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू
इत्यादि नेता भी हिस्सा लिए थे। जिसमें किसी बिना किसी ठोस नतीजे का ही यह समाप्त हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। क्लियर हो गया। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि सागर सारनाथ पिलर वास्तुकला किस काल का है? मौर्य कला का। सारनाथ पिलर से चार क्वेश्चन निकला, मौर्य अशोक का, सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ जो उत्तर प्रदेश के बनारस खंड के बगल में, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इससे चार क्वेश्चन आया कि भारत का राजकीय चिन्ह, सिंह स्तंभ से लिया है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते सिंह स्तंभ से लिया गया। तिरंगा के मध्यवर्ती पट्टी में जो चक्र है सिंह स्तंभ से लिया गया। और भारत का जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी लिपि, वो भी कहां से लिया गया? सिंह स्तंभ। चार चीज आया कहां से? सिंह स्तंभ जो मौर्य काल, एक लाइन लिख लेंगे जल्दी में, नौ का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नौ का उत्तर सी, अशोक का मौर्य शासक कर रहे थे, अशोक का यूपी के बनारस के निकट सारनाथ से सिंह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिससे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, एवं तिरंगा के मध्यवर्ती पट्टी में स्थित चक्र लिया गया है। दसवां क्वेश्चन कह रहा, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वतमाला क्या कहलाती है? अरावली पर्वतमाला, जिसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। ऐसी अरावली पर्वत का ही भाग है रायसीना हिल्स जो दिल्ली में है। इस रायसीना हिल्स पर संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट स्थित है। तीनों का डिजाइनर वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। एक लिख लेंगे जल्दी में, उत्तर क्या निकलेगा? ए नंबर, दस का ए नंबर। अरावली पर्वत जो विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, जिसे प्राचीन वलित पर्वत
या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका विस्तार अहमदाबाद गुजरात से दिल्ली तक सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो अजमेर में कहा माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर है। दिल्ली का रायसीना हिल्स रायसीन की पहाड़ी रायसीना हिल्स अरावली का ही हिस्सा है। अरावली का ही हिस्सा है रायसीना हिल्स अरावली का ही हिस्सा है। इसी रायसीन की पहाड़ी पर इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन एवं संसद भवन स्थित है। संसद भवन स्थित है जिसके डिजाइनर या और क्या कहेंगे वास्तुकार लूट गए हम बर्बाद हो गए सब पैसा लगा दिया हैड बीन लुटियंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड बीन लुटियंस 11 नंबर क्वेश्चन का लोकसभा तथा विधानसभा में मतदान करने का जो न्यूनतम उम्र था पहले था मूल संविधान में 21 वर्ष 21 से घटाकर 1989 ईस्वी में 61वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा कितना कर दिया गया 18 वर्ष। और एक क्वेश्चन ऐड करेंगे इसी 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा तो निर्वाचन आयोग था पहले एक सदस्यीय 3 सदस्यीय कर दिया गया याद करेंगे 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। उत्तर क्या निकलेगा 11 का ए नंबर लिखाने की आवश्यकता नहीं। 12 नंबर चले कार्ल मार्क्स कौन थे भाई तो जर्मन के चिंतक थे जर्मनी चिंतक थे लेकिन इनकी सबसे बड़ी रचना थी दास कैपिटल। उत्तर क्या निकलेगा बी नंबर। कार्ल मार्क्स के लिए एक और क्वेश्चन बनता है कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे इनकी रचना थी दास कैपिटल। एक और रचना याद रखिएगा कम्युनिस्ट मैनोफेस्टो। एक और इससे क्वेश्चन बनता है इनसे इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है।
13 नंबर चलते हैं हमारे शरीर पे सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि क्या है, अग्नाशय या पेनक्रियाज। इससे 7-8 को क्वेश्चन निकलता है, इससे 7-8 क्वेश्चन क्या निकलेगा, चुपचाप पहले सुन लेंगे तब लिखा देंगे। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, घुमा देगा क्वेश्चन। हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिर्श्रावी ग्रंथि लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड या ओटू। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल, जो थैलमस में पाया गया। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हाइपोथैलमस में पाया गया। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय या पेनक्रियाज है, जो एक मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है। इतना ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रिपीट करता है, जल्दी से लिख लेंगे। उत्तर क्या निकलेगा 13 का, डी नंबर, 13 का डी नंबर अग्नाशय। चल जल्दी जल्दी लिखेंगे। सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, जिसे ही यकृत, जिसे ही जिगर कहा जाता है। हाँ जी जी, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, फिर देखें सबसे बड़ी बहिर्श्रावी ग्रंथि लीवर, फिर देखें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अब टू ग्रंथी, अंत मतलब इंडोक्राइन, बहिर मतलब एक्सोक्राइन, अब टू ग्रंथी को और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थायराइड ग्लैंड। फिर अगला पॉइंट बड़े सबसे छोटी ग्रंथी पीनियल ग्रंथि, जो कहां पाया गया, थैलमस में। ऊपर ले जाए। दूसरी छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो कहां पाया गया, हाइपोथैलेमस, और लास्ट में लिख लेंगे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय या पेनक्रियाज, जो मिक्स्ड ग्लैंड है। हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। एक एयर टाइट पिंजरा जिसके अंदर तोता बैठा हुआ है, उस समय वो कमानदार कमानदार तुला से लटक रहा है। उस समय के बाद जो पिंजरा में नीचे में बैठा हुआ था तोतवा, और उड़ के पिंजरा के अंदर ही उड़ने लगा, फड़फड़ाने लगा, तो पिंजरा के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पिंजरा एयर टाइट है, इसमें बाहरी कोई दाब नहीं है, अतः यदि तोता फड़फड़ा है ऊपर जाए या नीचे जाए, उसके दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कब रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्तर कोई अंतर नहीं होता। 14 का डी नंबर।
यदि एयर टाइट नहीं रहता, वायु आते जाता तो पहुँ फड़फड़ाता तो जीरो हो जाता, लेकिन क्या होता, जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, वो है तो उसके भीतर ही, वो भी एयर टाइट है। जब ये वायु न तो बाहर जा रही है न ही अंदर आ रही है, तो क्या हो, पूरा का पूरा वजन लिए हुआ है, कोई प्रभाव नहीं। वो तो फड़फड़ा पे या नीचे बैठे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 15 नंबर, एक व्यक्ति का दाब सबसे कम कहाँ होगा, जब वो लेटर लग। यही कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि दाब कम लगे। इसको डिस्कशन की लिखाने की आवश्यकता नहीं। उत्तर क्या होगा, 15 का C नंबर, वहीं पर लिख लेंगे। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। जब एरिया ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा, एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। देखते हैं, हलाली करने से पहले चाकू के एक बार शान चढ़ा दिया जाता है, ताकि एरिया कम हो, छाप से मारे लगू या ठार। क्योंकि एरिया घटा है तो दाब ज्यादा लगा। आप बोता चाकू से नेबो नींबू काटे होंगे तो कट कटिए रहा है, तो अंत में क्या करते हैं, हम लोग भूखे देते हैं। क्यों, आखिर क्यों ऐसा? तो अब उसी स्थिति में क्या कर, दोबारा यदि शान चढ़ा देंगे आसानी से कर सकता है। एरिया कम होगा प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया ज्यादा होगा प्रेशर कम लगेगा। 16 नंबर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल घोल, जब ये न्यूट्रल होगा pH मान 7, अब न्यूट्रल घोल को अम्लीय घोल में बदलना है, इसका मतलब pH मान 7 से घट रहा है। यदि क्षारीय घोल में जाता तो क्या होता, pH मान बढ़ता जाता। 16 का A नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाफिंग गैस मतलब N2O, जब ये नाइट्रस ऑक्साइड है तो इसका प्रयोग दो जगह, एक थोड़ा सुनेगा तो है करेगा, मतलब बिन मतलब कहां से हंसे वाला कुछ बात नहीं, तो ये बतिया के हंसना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा लाफिंग गैस सुना है। यदि बहुते सुना दिए बेहोश निश्चेतक गैस। यही कारण है कि डॉक्टर ऑपरेशन के समय निश्चेतक गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। उत्तर निकला, थोड़ी सी सुनेंगे तो लाफिंग गैस, और ज्यादा सुनेंगे तो बेहोशी हो जाएगा। उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, हास्य गैस या इसे ही एवं और क्या कहेंगे, निश्चेतक गैस, एनेथेसियल गैस। हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन करा, स्नेहक तेल का तनुकरण करने के लिए क्या कहते हैं, पानी उसमें मिला देते हैं। 18 का, जब ये तनु होगा तो पानी मिलाएंगे, सांद्र होगा तो पानी को क्या करेंगे, निकालते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर मतलब चीनी अनुसंधान केंद्र, ना करके कहेंगे गन्ना अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, कानपुर में। यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, अच्छा शुगर टेक्नोलॉजी है ना, तो शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर होगा, यदि अनुसंधान केंद्र था तो तमिलनाडु का कोयम्बटूर में। उत्तर क्या निकलेगा, 19 का B नंबर, कान। अच्छा, तो कटक में चावल अनुसंधान के, वेरी गुड। क्वेश्चन आएगा, चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। 20 नंबर, गर्मी में रेगिस्तानी क्षेत्र में मृग तृष्णा, जिसे मीरेज कहते हैं, बनने का कारण क्या है? तो कल भी या परसों डेली टेस्ट से बताए थे, मेरे तरफ ध्यान देंगे, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कंडीशन है, जब प्रकाश का किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर आता है, नॉर्मल की ओर आता है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। और जब बताए थे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के क्रिटिकल एंगल से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाने के कारण प्रकाश का किरण जिस माध्यम में आया है, इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है प्रकाश का अपवर्तन होना, जब बिना अपवर्तन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही नहीं सकता। उत्तर निकालिए, क्वेश्चन कह रहा क्या चीज, परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन अंतर क्षेप क्या हो जाएगा, अपवर्तन।
20 नंबर का ऐसे रहा था पूर्णांतिक परावर्तन, आंख बंद करके मार दे पूर्णांतिक परावर्तन। 20 का भी नंबर, वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन को पहचान करता है। गौर से सुनिएगा, हम लोग के शरीर में एकमात्र नाइट्रोजनी यौगिक प्रोटीन है जो 20 से 22 एमिनो एसिड का बना होता है। यह प्रोटीन हम लोग के शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है। हमने तीन पिछले क्लास में बताए थे, पौधा के वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन, पुष्प के लिए फास्फोरस, मोटाई के लिए। अब क्वेश्चन आएगा, हम लोग के शरीर में पोटासियम, मोटाई के लिए हम लोग के शरीर में कितने प्रकार के पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है? तो 29। हम लोग के शरीर में 29 और पेड़ पौधा में 17, नॉट 16, पेड़ पौधा में 17 पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 9 का सबसे ज्यादा, 8 का सबसे कम। तो 9 का जो सबसे ज्यादा है याद कर लेंगे, कहेंगे कौन, CHON कौन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, दो का नाम हमरा से याद रखिएगा पीके, फास्फोरस और पोटासियम, कैल्शियम सल्फर, तो दो और याद हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया मैग्नीशियम, कुल मिलाकर 9 तत्व की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। दो पॉइंट लिख लेंगे जल्दी में, कि हमारे शरीर में एकमात्र नाइट्रोजन यौगिक प्रोटीन है, इसका डी नंबर, एकमात्र नाइट्रोजन यौगिक प्रोटीन है जो 20 से 22 एमिनो एसिड का बना होता है, 20 से 22 एमिनो एसिड का बना होता है, 20 से 22 एमिनो एसिड का बना होता है। फिर अगला पॉइंट, हमारे शरीर में पौधों में 17 पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। बाईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिना संपर्क टाइप का कौन सा है? तो देख भैया, थर्मामीटर कई प्रकार का, डॉक्टरी थर्मामीटर हो जिसे द्रव थर्मामीटर कहेंगे, गैस थर्मामीटर है, ताप युग्मी थर्मामीटर है, पूर्ण प्रतिरोधी थर्मामीटर है और पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर को पाइरोमीटर कहा जाता है, जिससे उच्च तापमान या सूर्य के तापमान को ज्ञात किया जाता है। देख पाइए, थर्मामीटर हम लोग के अपने शरीर का तापमान मापते हैं तो लब से थर्मामीटर लगा लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छा 98.6 है, नॉर्मल है तो है, या 37 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल है। लेकिन क्वेश्चन आता है सूर्य के तापमान को क्या जाएगा मापने के लिए, गले के राख राख हो जाएगा, हनुमान जी थोड़े हैं कि ललका टमाटर समझ के गिन दिए, तो बाप रे बाप पूरा दुनिया अंधेरा हो गया, सब भगवान प्रार्थना किए कि हनुमान जी क्या किए, कहा अरे पर हमारा तो उसमें लगा कि लाइकोपीन के कारण टमाटर ललका रंग होता है, ऐसा प्रदीप सर पढ़ाए थे, हमको लगा कि टमाटर है लाल है तो भूख लगल था खा लिए, तो कहा भैया जरा उल्टी कर दो, हमारा मेदुला अवलंगता कंट्रोल में भी है, उल्टी हो नहीं सकता है, तो कहा भाई कुछ तो करो, तब जाकर बड़ी अनुरोध हुआ, तब मेदुला अवलंगता डिसकंट्रोल हुआ, तब जाके वोमिटिंग हो गया, वोमिटिंग बाद फिर से भकभका के प्रकाश निकल गया। अब क्वेश्चन आएगा कि यहां पर मेरा एक क्वेश्चन आया कि सूर्य का तापमान को मापने के लिए दूर से ही पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण थर्मामीटर लगाकर तापमान ज्ञात किया जाता है। उत्तर क्या निकलेगा? पायरोमीटर, वहीं पर लिखे कोमा मार देंगे, 22 का डी नंबर,
पायरोमीटर, जिसे ही कहते हैं पूर्ण विक्रम थर्मामीटर, पूर्ण विक्रम थर्मामीटर पूर्ण विक्रम थर्मामीटर अध्यक्ष देख लेते हैं सूर्य का ताप, सूर्य का ताप ज्ञात किया जाता है। 23 नंबर का रहा है, देख भैया किस ग्रंथ में चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे, इनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, इनकी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र, जिन्हें भारत का मैकियावेली कहा गया, या अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है जिसका संबंध मैकियावेली की रचना द प्रिंस नामक पुस्तक से किया गया है, तब किस पुस्तक में कहा गया यशोमती, यशोमती चाणक्य की पत्नी थी, एक ही पुस्तक है बृहद कथाकोश, क्षेमेंद्र की रचना बृहद कथाकोश। 23 उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है, सबको पता तबला बजाते रहिएगा, यही तबला की खोज अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, तबला की खोज अमीर खुसरो, सारंगी की खोज अमीर खुसरो, कव्वाली गायन शैली की खोज अमीर खुसरो, जो दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तान के दरबार को सुशोभित किए थे, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एटा जिला के, उत्तर प्रदेश के एटा जिला। 25 नंबर का रहा कि जाना माना आठ भवन, अब आइए अभी बता चुके थे भारत भवन भोपाल में मध्य प्रदेश, 25 का भोपाल जी नंबर, क्वेश्चन पूछते हैं भारत भवन का डिजाइनर कौन था, चार्ल्स कोरिया, भारत भवन कौमा भोपाल जो म्यूजियम है का डिजाइनर चार्ल्स कोरिया थे, चार्ल्स कोरिया थे। अगला 26 नंबर, अभी अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार व्यवस्था को लागू किया, ये प्रशासन में उलेमा के हस्तक्षेप को ब्रेक किया, कहने आप नहीं कर सकते, आप धर्म गुरु है धर्म काम कीजिए, प्रशासन में दखलंदाजी नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, उलेमा के अस्तित्व को स्वीकार किए लेकिन राजनीतिक प्रतिबंध लगा दिए कि आप प्रशासन में योगदान नहीं दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आया, अरे कहा राजा हम है, हम धर्म गुरु है, उलमा फुलमा खत्म, मतलब उलेमा के पद को नकार दिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, उलेमा पद को मानता दिए लेकिन उन्हें राजनीति में स्थान नहीं दिए, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर क्या निकलेगा, 26 का बी नंबर, 26 का बी, एक लाइन लिख लेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट फॉर्म कहते एके, अलाउद्दीन खिलजी एके ने मुस्लिम धर्म गुरु उलेमा के पद को मान्यता तो दिया, मान्यता दिया किंतु उन्हें प्रशासन से दूर रखा, प्रशासन से दूर रखा, पहले कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उलेमा के पद को ही समाप्त कर दिया, उलेमा के पद को समाप्त कर दिया,
सत्ताईस नंबर कारक मिलाने के लिए, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 27 नंबर कारक मिलाने वाला चीज, मिलाने वाला एस्बेस्टस मैग्नीज जस्ता निकेल, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश, जस्ता राजस्थान और निकेल उड़ीसा। उत्तर क्या निकलेगा, डी नंबर। 28 नंबर कारक बुद्ध के चार जीवन की घटना, तो देख भाई जन्म हुआ कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, वहां से सीधे वैशाली आया, वैशाली, अब मेरे पर ध्यान देंगे तब मिला लीजिएगा, जन्म हुआ कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, 29 वर्ष की अवस्था में घर से गृह त्यागे जिसे महावीर निष्क्रमण कहा गया, पहले वैशाली आए, वैशाली से राजगीर गए, राजगीर में मौन में भरा तो कहां चले गए, सारनाथ गए, सारनाथ में भी 7 साल का टारगेट बैच नहीं था, फाउंडेशन बैच किया, वहां से फिर आ गया, फाउंडेशन में कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वहां से आगे फिर बिहार की धरती पर टारगेट बैच किया जो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला था, और वहां पर फिर से ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर इस टारगेट बैच ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर गए कहां, सारनाथ, जहां धर्म चक्र परिवर्तन करवाए, पहला उपदेश दिए, उसके बाद जगह जगह घूम घूम कर सबसे ज्यादा श्राविष्टि में रुके, कपिल वस्तु भी गया एग्जाम देने के लिए, एग्जाम देते रहे, अंत में फाइनल रिजल्ट कुशीनगर में हुआ, जहां जीवन और मरण से उनकी छुटकारा हो मिल गई, इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया। मिलाइए, सेट कर लीजिए, क्या निकलेगा, सी नंबर, मतलब पहले लुम्बिनी, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर, 28 का सी नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर सूर्य का प्रकाश सालों भर एक समान होता है, कहां पर, इक्वेटर पर, सूर्य की किरणें सालों भर लंबत पड़ती है, अर्थात दिन एवं रात सालों भर बराबर होता है। उत्तर क्या निकलेगा, बी नंबर। 30 नंबर का रहा उदयगिरी गुफा उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के निकट, आ यहीं पर कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, आ इस हाथी गुफा अभिलेख में इस गुफा का नाम दिया गया है कृष्ण गुफा, कृष्णा गुफा, जल्दी से लिख लेंगे, सॉरी कुमारी गुफा लिखेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर। उत्तर निकलेगा सी नंबर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी गुफा की चर्चा कलिंग नरेश खारवेल के घाटी गुफा अभिलेख में हाथी गुफा अभिलेख में कुमारी पर्वत के नाम से किया गया है, कुमारी पर्वत के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का रहा है, मदर टेरेसा, तो उत्तर 30 का सी निकल जाएगा, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय कहां, तमिलनाडु के कोडाई कनाल, तमिलनाडु के कोडाई कनाल, 31 का हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर, डिस्कशन की कोई आवश्यकता नहीं, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, डी नंबर 370 हटा देना चाहिए, लोगों का मानना है। 33 नंबर का रहा, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है, भार, किसके बराबर, तेल के भार के बराबर, आर्किमिडीज ने भी कहा था कोई वस्तु जल में तैर रही है उसके भार में आंशिक कमी हो रही है, भार में आंशिक कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए तेल के भार के बराबर होगा। उत्तर 33 का डी नंबर। 34 नंबर में कह रहा है, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर जब हलचल उत्पन्न होता है उस हलचल के को भूकंप कहा गया, आ भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर क्या निकलेगा, डी नंबर। आ क्वेश्चन पूछता सिस्मोग्राफ क्या था, तो भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो ग्राफ था उसे ही सिस्मोग्राफ कहा गया।
पिछले कल या परसों बताए थे, सतह के अंदर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होता है उसे फोकस कहा गया, और जहां पर सबसे पहला अटैक होता है उसे ईपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई? सबको पता है एनर्जी की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए नंबर इलेक्ट्रिक एनर्जी की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 36 नंबर कह रहा है, अभी अभी चर्चा कर दिए थे, हरे पेड़ पौधा के लिए 17, हम लोगों के लिए 29। 36 का बी नंबर। 37 नंबर में कह रहा है किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा ही किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, किसी एक को लोकसभा और उपाध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है। यही कारण है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वे एक बार संसद सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। 37 का उत्तर ए नंबर। 38 नंबर में कह रहा है, 36 का बी नंबर, 37 के ए नंबर, शिमला से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत गैंगटॉक में जाएगा, जो शिमला होते हुए मानसरोवर झील होते हुए NH 22 NH 22, ऐसा अपवादग्रस्त है, ऐसा क्वेश्चन सब नहीं याद रखिएगा, 5-7 को याद रखिएगा। एक तो ठीक देते हैं, दीपा दी को आगम, मुचे को चेकोलम, बरका डीजीएम, इसके अतिरिक्त याद रखिएगा NH 44 जो वर्तमान समय में सबसे बड़का NH है, कश्मीर से जम्मू श्रीनगर से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक। और उधर जो बताए थे दीपा, दिल्ली से पाकिस्तान या पंजाब का बाघा बॉर्डर NH 1 है, दी को दिल्ली से कोलकाता, आगम आगरा से मुंबई NH 3 है, मूचे मुंबई से कोलकाता, मूचे चेन्नई है 4, कोचे कोलकाता से चेन्नई है 5, कोलम कोलकाता से मुंबई है 6, बरका बनारस से कन्याकुमारी 7 है। अभी याद करवाए सबसे बड़ा कौन, 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कभी लिखा, अगले क्लास में याद करना, लिखा देंगे। 38 का उत्तर ए नंबर। 39 नंबर में कह रहा गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में एक अफगान युवक के द्वारा नांदेड़ में कर दिया गया। कहां कर दिया गया? नांदेड़ में, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, सिख धर्म के अंतिम गुरु, इसके बाद गुरु की परंपरा ही समाप्त हो गया। बंदा बहादुर आगे सिख धर्म का नेतृत्व किए, जिसे बाद में फर्रुख शेर के द्वारा हत्या 1715 ईस्वी में करवा दिया गया। आइए अगला है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला अभियान 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में गए थे चूरा खाने के लिए, नीले जमींदारों से वहां के किसानों को मुक्त कराने के तीन कठिया प्रणाली के विरोध में आंदोलन चलाए थे। रॉलेट एक्ट क्या है 1917 में 19 में, जहां रॉलेट एक्ट है 1919। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा सी नंबर। दांडी यात्रा जहां लिखा हुआ वहां लिख लेंगे 6 या स्टार्ट करेंगे 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ कब? 6 अप्रैल 1930। हो गया। अगला प्रश्न आइए, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रामेश्वरम धनुषकोटि रेल परियोजना 17 किलोमीटर है, ए नंबर। 41 का ए नंबर। 42 में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को हुआ। डेट के साथ भी हम बता दिए, 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़। आगे बढ़ जाए,
बताए थे गुरु गोविंद सिंह मृत्यु 1760 में। अगला ये 42वें नंबर में बी नंबर 42 का भी झारखंड में हुआ था। 43वें नंबर में कह रहा कि दिसंबर 2008 में एक आधिकारिक बैठक में किन देशों ने वन्य जीव संरक्षण हेतु तो भारत नेपाल एवं भूटान। 43 का हो जाएगा डी नंबर। 44वें नंबर में सरकार द्वारा किस राज्य या संघ छात्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो महाराष्ट्र गोवा दादर नगर हवेली। 44 का उत्तर डी नंबर। 45वें पर्यटक मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत किसे शामिल नहीं किया गया है तो गोरखनाथ मंदिर शामिल है, देवी पाटन देवी पाटिल मंदिर और मथुरा का गोवर्धन मंदिर, लेकिन पूर्वी हिमालय में स्थित मंदिर को शामिल नहीं किया गया है डी नंबर। 46 नंबर में कह रहा है जनवरी 2019 में राज्यसभा समिति ने किस घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से संबंध में सूक्ष्मता से अध्ययन किया, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। 46 का हो जाएगा ए नंबर। 47 में 8 जनवरी 2019 को आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में तो क्या कहेंगे नंदन की अध्यक्षता में। और कल के डेली टेस्ट में क्वेश्चन था अनुपातिक कोष को प्रिजर्व करने के लिए विमल जलान की अध्यक्षता में। 47 का सी नंबर। 48 में 21 दिसंबर 18 को किसकी अध्यक्षता में रसद विकास का गठन किया गया, विवेक देवराय की अध्यक्षता में। 49 नंबर में कह रहा है 2 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते की धारा 6 को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन का मंजूरी मिला, इससे पहले यह हस्ताक्षर हुआ था 1985 15 अगस्त 1985। 49 का सी नंबर। और 50 नंबर में 16 से 18 जनवरी को 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन औरंगाबाद महाराष्ट्र में डी नंबर। तो इसे मैं बता दूं कल से सुबह 7 बजे से यह बैच स्टार्ट हो रही है, बिहार दरोगा झारखंड दरोगा बीपीएससी टारगेट बैच। इसी के साथ आज की सेवा को विराम दिया गया, तब तक सजग रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कोठी।